स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल विराज नायक रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे गुजरात का बहुत ही पॉपुलर ऐसा उंधियू। अभी उंधियू की हम बात करें तो गुजरात में भी अलग अलग प्रकार के उंधियू बनते हैं। जैसे सूरत में सुरती ग्रीन उंधियू बनता है, उसके बाद राजकोट में चापड़ी उंधियू बनता है, दूसरे कवा उंधियू भी अभी बहुत पॉपुलर है। तो अलग अलग प्रकार के उंधियू बनते हैं, लेकिन जो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल उंधियू है वो साउथ गुजरात का, यानी कि जो ग्रीन उंधियू है वो बहुत ही पुरानी उंधियू की रेसिपी है। क्योंकि साउथ गुजरात में जो शक्करकंद है जो उंधियू में खास तरीके से यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और उंधियू में जो पापड़ी यूज़ होती है वो भी साउथ गुजरात में, यानी कि सूरत में बहुत ही बढ़िया मिलती है। दूसरा, अगर हम सूरत की भी बात करें तो वहाँ भी ये जो उंधियू है ग्रीन उंधियू, उसमें भी अलग अलग प्रकार से बनता है। जैसे कि कुछ लोग इसमें मटर के दाने भी डालते हैं, तूर के दाने भी डालते हैं, लेकिन साउथ गुजरात में हम जैसे सूरत के आगे जाए थोड़ा नवसारी अमलसर बिल्लीमारा, तो वहाँ पे जो उंधियू मिलता है उसमें तूर के दाने भी नहीं डालते और मटर भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी उंधियू बनता है। ट्रेडिशनली ये जो उंधियू है उसको जमीन के अंदर गाड़ते थे, यानी कि मट्टी के जो पॉट होता था उसके अंदर सारी सामग्री भर के उसके बाद जमीन के अंदर गाड़ते थे, और उसके ऊपर उसको जलाया जाता था लकड़ी की मदद से, और वो बहुत ही अच्छे से पकता था, तो वैसे उंधियू बनता था। लेकिन जब भी हम ऐसी बात करते हैं ये कुकिंग प्रोसेस की कि उल्टा करके उसके ऊपर जलाया जाता था, तो साउथ गुजरात में ऐसी दो रेसिपी है और जिसमें उंधियू की जो इंग्रेडिएंट्स है वो ही यूज होते हैं। जैसा हमने उंधियू में जो चीज़ ली, दूसरी जो रेसिपी है उसमें भी वही चीज़ यूज होती है और सेम मेथड से भी उसको ही पकाया जाता है, लेकिन उसका नाम है उबाड़ियो। तो उंधियू और उबाड़ियो टेक्निकली दोनों चीज़ अलग है, इंग्रेडिएंट्स कुछ हद तक बहुत ही सिमिलर है, लेकिन फिर भी दोनों का स्वाद बहुत ही अलग है। उबाड़ियो की रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी आप सीखिए उंधियू वो मेरे स्टाइल से। तो उंधियू की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मेथी की मुट्ठी। तो उसके लिए एक बाउल में हम लेंगे एक कप जितनी हरी मेथी। ये जो मुठिया है वो उंधियू में डालने से उंधियू का जो स्वाद है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया करीबन 2 चम्मच जितना। अब हम इसमें डाल देंगे हरा लहसुन, तो 1 चम्मच जितना हरा लहसुन डालना है। अभी हम इसमें डालेंगे चने का आटा। तो यहाँ पे चने का जो आटा मैंने लिया है वो हम आधे कप जितना लेंगे, लेकिन ये मोटा वाला आटा है, तो चने का मोटा वाला आटा करीबन आधा कप जितना लिया है। उसके बाद हम डालेंगे गेहूं का आटा, तो 2 चम्मच जितना गेहूं का आटा डालना है। तो ये भी गेहूं का मोटा वाला आटा है, लेकिन अगर आपके पास मोटा वाला आटा नहीं है तब जो रेगुलर बेसन आता है और गेहूं का आटा आता है वो भी डाल सकते हो। अभी हम इसमें सारे मसाले करेंगे। तो सबसे पहले तो डाल देंगे लहसुन की पेस्ट करीबन 1 चम्मच जितनी। इसके बाद डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, तो ये हम करीबन 1 बड़ी चम्मच जितनी डालेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर करीबन 1/4 टीस्पून जितना, यानी कि 1 चुटकी जितना डालना है। उसी के साथ डाल देंगे अजवाइन करीबन 1/2 चम्मच जितनी। अब हम इसमें डाल देंगे सफेद वाले तेल करीबन 1 चम्मच जितना। उसके बाद डालेंगे चीनी, तो यहाँ पे 1 चम्मच जितनी चीनी लेनी है। साथ ही में इसमें डाल देंगे नींबू का रस, तो 1 चम्मच जितना नींबू का रस लेना है। और इसमें हम मिला देंगे नमक, तो नमक स्वाद के हिसाब से डाल देना है। अभी सबसे पहले तो हम 1 चम्मच की मदद से इसको मिला लेंगे। ये जो मेथी का मुठिया बनेगा उससे उंधियू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है, क्योंकि मेथी का जो कड़वापन होता है वो उंधियू में बहुत ही बढ़िया एक अलग फ्लेवर लाता है। क्योंकि उंधियू में नॉर्मली चीनी भी पड़ती है तो मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टापन भी नींबू की वजह से आता है, तो इसी प्रकार से जो मेथी डालने से इसमें थोड़ा कड़वापन भी आता है, तो जो सारे फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होते हैं। अभी सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हाथों से मिलाना है। आप देख सकते हो अभी भी हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला, लेकिन जो मेथी है उसने उसका पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले आपको सब कुछ मिला लेना है, उसके बाद जितना जरूरत लगे उतना ही पानी मिलाना है, तो करीबन 1 से 2 चम्मच जितना ही पानी लगेगा। ये देखिए सब कुछ तैयार है, तो अभी 5 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट देंगे। अभी इसकी हम गोलियां बना लेंगे। अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम सारे मुठिया डाल देंगे। तो जब भी आप ये मेथी की मुठिया फ्राई करते हो उस समय तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसे आपने सारे मुठिया डाल दिया उसके बाद आपको गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, ताकि ये जो मुठिया है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो और अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए मुठिया तो बहुत ही बढ़िया तैयार है। तो ये जो मुठिया बनेंगे बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे, और इसमें हमने बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब हम बनाएंगे उंधियू का मसाला। तो ये मसाला तो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे नारियल, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश वाला नारियल लिया है करीबन 1/2 कप, और आपको यहाँ पे फ्रेश वाला नारियल ही लेना है तभी बहुत ही बढ़िया उंधियू बनेगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मूंगफली का पाउडर, तो 2 टेबलस्पून जितना मूंगफली का पाउडर लेना है। बहुत सारे लोग मूंगफली का पाउडर नहीं डालते, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मूंगफली का पाउडर आप जरूर डालिएगा, उंधियू का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा।
तो 2 चम्मच जितना कच्ची मूंगफली का ही पाउडर है तो वो डाल देंगे। अभी उंधियों में सबसे जरूरी है अजवाइन। तो अजवाइन से ही उंधियों का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे अजवाइन थोड़ी हम ज्यादा ही डालेंगे, करीबन 2 टेबलस्पून जितनी। अब इसमें हम डालेंगे सफेद वाले तेल, करीबन 1 चम्मच जितना। अब इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून जितना। हल्दी पाउडर से जो उंधियों है उसका कलर और ज्यादा निखर के आएगा। उसके बाद इसमें हम हींग डालेंगे, करीबन 1 चुटकी, यानी कि 1/4 टीस्पून जितना। अब हम इसमें मिलाएंगे लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ पे जो हरे लहसुन का जो सफेद वाला हिस्सा आता है, मैंने उसकी पेस्ट बना ली है। तो ये भी हम थोड़ी ज्यादा डालेंगे, यानी कि 2 टीस्पून जितनी। लेकिन आप सूखे लहसुन की पेस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। तो ये भी हम थोड़ी ज्यादा डालेंगे, यानी कि 2 टेबलस्पून जितनी डालेंगे। तो जब भी आप उंधियों का मसाला बनाते हो तो जो भी चीज आप डालते हो वो आपको स्वाद अनुसार से थोड़ी ज्यादा डालनी है। यानी कि आप जितना तीखा खाते हो उससे आपको थोड़ी सी ये जो पेस्ट है वो थोड़ी ज्यादा डालनी है, क्योंकि इसके बाद में इसमें बहुत ज्यादा सब्जी मिलेगी तो जो उंधियों का टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन पहले से आपने स्वाद अनुसार डाल दिया तो सब्जी मिलाने के बाद उंधियों जो है वो आपका थोड़ा फीका बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज का ही आपको ध्यान रखना है कि जो सारे मसाले है वो आपको जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा डालना है। अभी इसमें हम डालेंगे हरा लहसुन। तो हरा लहसुन तो बहुत ही जरूरी है उंधिया में, तो ये भी हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे, करीबन 1 कप जितना। तो हरे लहसुन को भी मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था तो वो डाल दिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, तो ये भी हम 1 कप जितना डालेंगे। अब हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, तो करीबन 1/4 टीस्पून जितना गर्म मसाला लेना है। तो थोड़ा सा ही गर्म मसाला डालेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी, तो 2 बड़ी चम्मच जितनी चीनी लेनी है। अब हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस, तो यहाँ पे 1 चम्मच जितना नींबू का रस लेना है। अभी हम इसमें मिलाएंगे नमक, तो यहाँ पे नमक हम स्वाद अनुसार से थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि बाद में इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ेगी। अब हम इसमें मिलाएंगे तेल, तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना मैं मूंगफली का तेल डाल रहा हूँ। नॉर्मली उंधियों मूंगफली के तेल में ही बनता है, लेकिन अगर आप कोई और ऑयल खाते हो तो वो भी ले सकते हो। अभी हम इसमें डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर, तो करीबन 2 बड़ी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर लेना है। अभी सब कुछ हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया, एकदम हरा वाला मसाला हमारा तैयार है। तो ये जो मसाला है उस पे ही सारे उंधियों का जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है। तो ये मसाला अच्छे से बन गया तो आपका उंधियों बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी हम सारे वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे आलू को। तो यहाँ पे मैंने 1 मोटा आलू ले लिया है, आप चाहो तो 2 मीडियम साइज के आलू भी ले सकते हो। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करना बहुत ही जरूरी है, वो अंदर से पक जाने चाहिए। तो मीडियम गैस की फ्लेम पे सभी चीज को आपको इंडिविजुअल फ्राई करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जितने वेजिटेबल्स आप ले रहे हो उसको एक ही साथ आप फ्राई कर दो। सभी जो वेजिटेबल्स इसमें जाएंगे वो अलग अलग फ्राई करने हैं, क्योंकि जो सभी वेजिटेबल्स है उसको अलग अलग टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमें आलू को फ्राई करना है। ये देखिए आलू तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो उसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे शक्करकंद। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का शक्करकंद ले लिया था, तो उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी तो हम सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करके बनाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। लेकिन अगर कुकर में आपको बनाना है तो आखिर में मैंने वो भी बताया है कि आप कुकर में उंधियों को कैसे बना पाओगे, तो आपका जो उंधियों है वो फटाफट बन जाएगा। ये देखिए शक्करकंद भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अभी हम फ्राई करेंगे रतालू को, यानी कि पर्पल याम को। उंधियों में पर्पल याम बहुत ही जरूरी है, इससे उंधियों का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और रतालू को फ्राई करना बहुत ही जरूरी है, अच्छे से फ्राई करना बहुत ही जरूरी है। ये अंदर तक पकना चाहिए और रतालू को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे करीबन मैंने 250 ग्राम जितना रतालू लिया है। तो रतालू की मात्रा मैंने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रखी है, तो आप चाहो तो आपकी पसंद अनुसार जो भी वेजिटेबल्स आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वो थोड़े ज्यादा रख सकते हो, और जो आपको कम पसंद है उसे कम भी रख सकते हो। तो रतालू भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हमने जो मसाला बनाया था उससे हम बैंगन को स्टफ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे वाले जो बैंगन आते हैं वो ले लिए हैं और उसे बीच से काट लिया है। तो करीबन मैंने 5 रंग बैंगन लिए हैं। बैंगन को हम बहुत ही अच्छे से दबाते हुए भरेंगे और उसके बाद इसे ऐसे दबा देंगे। ये देखिए
तो इसी प्रकार हम सारे बैंगन भर लेंगे। अब हम करीबन एक कप जितना मसाला बाजू पे रखेंगे। ये मसाला हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाद में हम केले को भी स्टफ करेंगे और जो पापड़ी हम डालेंगे तो उस पे भी हम थोड़ा मसाला डालेंगे, तो इसीलिए एक कप जितना मसाला हमें बाजू पे रखना है। तो ये जो बाकी मसाला है उसपे जो आलू, शकरकंद और जो रतालू को हमने फ्राई करके रखा था तो इसमें डाल देंगे। अभी हाथों की मदद से सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो सब्जियों पे अच्छे से लग जाए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी कोट हो गई है। अभी आपको एक बड़ा सा पैन ले लेना है, और अगर आपके पास हैवी बॉटम पैन है तो वो लेना है, या तो कोई कढ़ाई भी ले सकते हो। उसमें हम डालेंगे तेल, तो जो मेथी की मुठ्ठी हमने फ्राई किया था वो ही तेल यहाँ पे हमें लेना है। और उंधियू है तो थोड़ा तेल ज्यादा ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ, जितना होना चाहिए उससे मैं थोड़ा कम ही रख रहा हूँ। तो अभी करीबन 1/4 कप जितना तेल लेना है। अभी पहले तो तेल में हम जो भरे हुए बैंगन थे उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बैंगन को हम यहाँ पे सेलो फ्राई करेंगे तो बैंगन में से थोड़ा मसाला निकलता है, तो इसी तेल में हम उंधियू बना लेंगे तो हमारा जो तेल है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे बैंगन को आपको पूरा नहीं पकाना है, करीबन 50% ही इसे पकाना है, बाकी का जब हम उंधियू बनाएंगे तो उस टाइम पे वो पक जाएगा। ये देखिए 50% जितना तो ये बैंगन पक गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब ये जो तेल है उसमें हम थोड़ी अजवाइन डाल देंगे, करीबन 1/4 टीस्पून जितनी। उसके बाद डालेंगे इसमें हींग, तो एक चुटकी जितनी हींग डालनी है, यानी कि 1/4 टीस्पून जितनी। 3 सूखी लाल मिर्च डालनी है, ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे पापड़ी, तो यहाँ पे जो उंधियू की पापड़ी आती है मैंने वो ली है, करीबन 250 ग्राम जितनी। और पापड़ी को मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के प्रेशर कुकर में एक सीटी तक इसे कुक कर लिया है। तो आपको सिर्फ एक ही सीटी तक इसे कुक करना है, और थोड़ा सा पानी आपको पापड़ी का रहने देना है, और उसी के साथ इसमें हम डाल देंगे। तो उंधियू में कभी भी पानी नहीं जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा, यानी कि 2-3 चम्मच जितना ही पापड़ी का जो पानी था जिसमें हमने प्रेशर कुक किया था तो वो पानी रखा है, क्योंकि जो उसको हम प्रेशर कुक करते हैं तो पापड़ी का जो पानी है उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है पापड़ी का, तो वो पानी हम थोड़ा इसमें डालेंगे ताकि जो सारा उंधियू है उसमें पापड़ी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए। लेकिन पानी आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2-3 चम्मच जितना, क्योंकि उंधियू में कभी भी पानी नहीं जाता। अभी हमने जो मसाला निकाला था उसमें से आधा मसाला पापड़ी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए अभी सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये स्टेज पे आप उंधियू को चला सकते हो, लेकिन जब सारी वेजिटेबल्स का लेयर बन जाए उसके बाद उंधियू को आपको कभी भी नहीं चलाना है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, करीबन एक चुटकी जितना, तो ये जो उंधियू है उसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो एक बार इसे भी मिला लेंगे, और यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो आपको एकदम स्लो करनी है। अभी जो सारे वेजिटेबल्स है उसकी हम इसपे एक लेयर कर देंगे। अगर आपके पास हैवी बॉटम पैन नहीं है तो जो उंधियू आप जिस कढ़ाई में बना रहे हो या जिस पैन में बना रहे हो तो उसके नीचे आप एक तवा भी रख सकते हो, क्योंकि उंधियू को थोड़ा ज्यादा पकाना होता है तभी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये देखिए सारे वेजिटेबल्स हमने डाल दिए। अभी हम इसपे बैंगन रख देंगे, तो सारे बैंगन को भी इसके ऊपर हमने रख दिया है। और अभी हमने जो मेथी के मुठ्ठे बनाए थे तो वो इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी जो पानी है वो ये जो मुठिया है वो सोख कर लेगा। ये देखिए अभी हम पैन को ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे करीबन 15-17 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी जब तक हमारा उंधियू होता है तब तक हम जो केला हमने निकाल के रखा था और जो थोड़ा मसाला बचाया था तो उसे भी हम स्टफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक केला लिया है, ये पक्का केला है जिसे मैंने बीच से काट लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, और केले को अच्छे से हम स्टफ कर लेंगे। अगर आपको केला थोड़ा ज्यादा पसंद है तो आप 2 केले भी ले सकते हो, और अगर आपको केला नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी करीबन 15 मिनट हो गए हैं तो इसके ऊपर हम केला रख देंगे। तो केला हम आखिर में ही रखेंगे क्योंकि केला वैसे भी पका हुआ ही होता है। अभी ढक देंगे और करीबन इसे 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। अभी करीबन 17-20 मिनट हो गए हैं, अभी चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया उंधियू तैयार है, यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको एक बार मिक्स करके दिखाता हूँ। नॉर्मली उंधियू को मिक्स कभी भी नहीं करते, जैसा हमने लेयर किया वैसा ही वो सर्व होता है। लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया उंधियू एकदम बढ़िया टेक्सचर के साथ तैयार है। तो उसपे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हरा लहसुन भी डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया उंधियू तैयार है। एक बार इसे हल्के हाथों मिला लेंगे। ये देखिए देखते ही पता चल जाता है कि ये जो उंधियू बना है वो बहुत ही लाजवाब बना है। अभी उंधियू को हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे।
तो यहाँ पे तो मैं उंधियू को सर्व करूंगा जलेबी के साथ, और साथ ही मैंने बनाया है गार्लिक मठा, यानी कि हरा लहसुन जो है उसे एक मैंने मठा बनाया है। तो हमारे यहाँ तो ये दोनों चीजों के साथ उंधियू को सर्व होता है, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम सुपरहिट कॉम्बिनेशन है। तो आप भी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और आपके जो अनुभव है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ये वीडियो में दी है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी उंधियू की रेसिपी आपने देख ली, शायद आपको थोड़ी लेंथी प्रोसेस भी लगे। अगर आपके पास टाइम कम है और आप इसे प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो भी बहुत ही सिंपल है। मसाला तो जिस तरह का मैंने दिखाया वैसे ही करना है, एक प्रेशर कुकर ले लेना है, उसका आपको तेल डालना है और उसके बाद जो पापड़ी हमने डाली थी वो आपको कच्ची ही डालनी है, और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स है उसको आपको फ्राई नहीं करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर डाल देना है मसाले में एकदम लपेट के, और उसके बाद आपको जो रिंगन हमने डाले उसको भी भर के डायरेक्ट आपको डाल देना है प्रेशर कुकर में। थोड़ा सा ही पानी डालना है, पानी आपको बहुत ही सावचेती से थोड़ा ही डालना है, और उसके बाद 3 से 4 सीटी आपको उसे कुकर की लगानी है। बहुत ही बढ़िया आपका उंधियू बन जाएगा, लेकिन आपको कुकर में जब भी बनाओ पानी का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, वरना आपका जो उंधियू है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो।